आशीष दे, सोम से तुझे आशीष दे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एंटर करे और आपका घर, आपका परिवार, आपका मोहल्ला सेना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज आप खाली नहीं आए, आप कुछ लेके जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में। पड़ोसी को बोल दो हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, ये साल आप सब लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी मरीसी से आए हैं, चाहे आप किसी भी चर्च से आए हैं, मेरा बिलीव है, मेरी आवाज को शैतान जानता है और उसको आग लग चुकी है यीशु मसीह के नाम में। कुछ ही टाइम में वो तड़पने वाला है, उसकी चीखें निकलने वाली है यीशु के नाम से। मैं कहता हूं निकल रही है यीशु के नाम से, निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो शैतान तेरी खैर नहीं। ए दुष्ट आत्मा, एक शैतानी आत्मा, ए बीमारी की आत्मा, ए पाप की आत्मा, ए शराब की आत्मा, तेरी खैर नहीं। आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा आपके चित्रों में, आपके घर में एंटर करे यीशु मसीह के नाम से। मैं स्वर्गदूत को कमांड करता हूं, मिकाएल और जबराइल स्वर्गदूत, इसी समय जितने भी लोग जहां पे इस हजूरी में है और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते उन सब घर को, उन सभी घरों को, उन सब के बच्चों को, उन सब बुजुर्गों को, उन माता पिता को, मैं यीशु नाम नाम से आशीष और बरकत देता हूं। और अपने हाथ को उठा लो, थैंक यू जीसस। बोलो यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, यीशु मसीह मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका। पथरी, सर्वाइकल, बीपी, शुगर, नशे का आत्मा, हर वो बीमारी आपके जिंदगी और आपके जीवनों से बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्ति जादू टूना निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन आपके लिए 100 गुना बरकत और आशीष को लेके आए। आपसे प्रेम करता हूँ और ये वाणी मेरे जीने का आधार है और इस वाणी को सुन के मैं तेरी आशीषों को पाऊंगा, इस वाणी को सुन के मैं तेरी बरकतों को पाऊंगा और आज का वचन मेरी जिंदगी को बदलेगा और मैं 100 गुना बरकत और आशीष को पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आती है। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्षीय गीत, हालेलुया। और जितनी भी टेस्टिमनी है, गवाही है, वॉलंटियर मेरे सामने टेस्टिमनी होनी चाहिए इस गीत के बाद। हालेलुया। ओ यीशु रसा से कर जाने आजो, मेनू बरकत मिल जावे। ओ यीशु रसा से कर जाने आजो, मेनू बरकत मिल जावे। ओ पिता ना यहोवा का, ओ मेरे दिल की मेरा परमेश्वर कहता है मैं उस धन के अनुसार महिमा सहित यीशु मसीह में उनकी गतियों को पूरा करता हूँ। आज परमेश्वर आपकी गतियों को पूरा करे और आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप सब आशीषों को लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। कुछ टेस्टिमनी को हम सुनेंगे और टेस्टिमनियों के लिए आपने जोरदार ताली लगानी है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, आप अपने मुंह से बताइए। डॉक्टर ने मुझे बोला था ये तो कभी बोल ही नहीं पाएगा,
ये अपॉइंट्स की गिनती में आ जाता है। उन्होंने बहुत बड़ी फाइल बना ली मेरे बेटे की, मगर मैं वहाँ से रोती भी खा रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे इतना लेट मेरे पास बेटा आया है, अब ये बात नहीं करेगा। तो मैं रो रो के, मेरा पूरा हाल था, मुझे डॉक्टर बोल रहे थे कि इसे PGI ले जाओ, इसको दिल्ली ले जाओ, ये कभी नहीं बोल पाएगा, जहाँ भी इसे ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर भी हर एक डॉक्टर के पास जाती रही। उसके बाद मुझे किसी बहन ने बताया कि आप चर्च में जाओ, वहाँ जाने से आपका बेटा बात करेगा, मुझे विश्वास है। मैं उसकी बात को मानकर यहाँ भी आई। जैसे कि एक टूटते को तिनके का सहारा मिलता है, मेरा भी वही हाल। तारीफ कर दो परमेश्वर की। मेरा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। वो जितने भी ऑनलाइन हमें इस समय हम ऑनलाइन हो चुके हैं, वो जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो मैं काम नहीं करता, मेरा परमेश्वर काम करता है। और मेरा परमेश्वर किसी का धर्म जात चेंज करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन चेंज करने के लिए आया है। और मैं सबको इनवाइट करता हूँ, पहली तरीक को भी आप चर्च में आए और बहुत सारी गवाहियों को सुने। अगर आप दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन। कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे? एक महीना पूरे हॉस्पिटल में। एक महीना। तो मैंने कितने दिन आपको संपर्क नहीं किया? 7-8 दिन 10 दिन। और जब मैंने आपको संपर्क किया तो उसके बाद पहले कोई इम्प्रूवमेंट हो रही थी आपके जीवनों में? जब मैंने फोन किया, आपने फोन किया और मैंने सिस्टर को फोन किया, जब मैंने प्रार्थना की और आपने भी सिस्टर को एक दो बार बोला कि पास्टर जी नहीं आए, और जब मेरे से आपकी बातचीत, क्योंकि मुझे पता नहीं था, जब मेरे से आपकी बातचीत शुरू हुई तो आप, जब मैंने प्रार्थना की, आपकी इम्प्रूवमेंट शुरू होने शुरू हो गई। तो आपको क्या लगता था कि आप डेड हो चुके हैं? तो आपके पेट में कितनी पथरी थी पहले? 4 पथरी। अच्छा। तो आप, मैं देखता हूँ कि परमेश्वर, जैसे आप हमसे पहले भी मिले हैं और मैंने आपके लिए प्रार्थना किया था, और आप हर दूसरे तीसरे दिन पिछड़ा हॉस्पिटल में होते थे, लेकिन जब से आप चर्च आ रहे हैं, आपने बैप्टिज्म लिया, तब से आपको ये पथरी की प्रॉब्लम नहीं हुई सर? अच्छा। हालेलुया। पथरी नहीं थी लेकिन काम नहीं कर सकेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से तारीफ कर दो जे भाई। एक ही सर के डर में खुदा के दास ने इस पैंदली प्रोफेसी की थी कि आने वाले दिनों में तुसी एक बेबी ना ब्लेस हो गए, परमेश्वर द्वारा एक बेबी ना ब्लेस करेंगे। और इन्होंने उस गवाही नु रिसीव किया और खुदा ने इन्होंने बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस किया इस गवाही दे लिए परमेश्वर दा। और खुदा दे दास दा, खुदा दे दास दी थैंक्स करांगे और परमेश्वर दी तारीफ करेंगे इस गवाही दे लिए। हालेलुया। तारीफ कर दो जोर से इस गवाही के लिए। जे इसी साल की गवाहियों को हम सुन रहे हैं, पिछले साल की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस भैन की गवाही आ, इन्हें दे बेटे की गवाही आ कि वह बहुत सारे बीमार रहते ही, बहुत सारी आंटी बहुत सारी परेशान ही। और पिछले कुछ महीनिया पहले उस आंटी अपने बेटे नू चर्च दे विच लेके आए, और दुष्ट आत्मा दे अटैक होना दे होंदे ही, और बहुत सारे दुष्ट आत्मा दे विच झगड़े हुए ही। और जिदो और मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं इनके बेटे के लिए प्रार्थना करता था और बहुत सारे चर्च के लोग देखते थे, वो भाई डेड हो जाता था किसम से, और कुछ टाइम उसको होश ही नहीं आता था।
माता जी के पास जी प्रार्थना कर रहे ही और खुदा ने अपने पास अपने दास के जरिए उस भाई को आजाद किया उस पुरानी दुष्ट आत्मा को और उस तो बाद आंटी चाहते हैं कि उन्होंने कोई अच्छा कामकाज मिले और उस तो बाद आंटी और ने पास जी गल की कि असं उन्होंने बाहर भेजना चाहते हैं फॉरन के और खुदा के दास ने खुदा की दासी ने उन्होंने प्रार्थना की उन्होंने वीजे को ब्लैस किया और अज वह फॉरन के अच्छी जॉब के खुदा ने उन्होंने ब्लैस किया और इन्होंने कहना कि मैरिज इन्हों की मैरिज को 20 साल तो भी ज्यादा हो गया मतलब 22-23 साल हो गया और उस तो ब्याह तो पहले ही उस भाई के अटैक होंगे ही और इतनी पुरानी दुष्ट आत्मा ही और वो बिल्कुल कामकाज नहीं करते और मतलब इन्हों चर्चा दे एक मतलब 8 या 9 महीने हो चुके हैं इन्हों का कहना है कि जो चर्च आने बाद खुदा के दास ने खुदा के दासी ने उन्होंने प्रार्थना की और उस दुष्ट आत्मा तो उन्होंने आजादी मिली जो खुदा के दास फायर प्रेयर करते ही और उस फायर प्रेयर को रिसीव करके उन्होंने दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा उनकी लाइफ तो बाहर गई और उस तो बाद सिस्टर ने बोलिया कि मैं चाहती हाँ कि मैं अपने हसबेंड को फॉरन के सैटल कराँ और उस तो बाद खुदा के दास ने खुदा की दासी ने उन्होंने प्रार्थना की उन्होंने वीजे को ब्लैस किया अज खुदा ने उन्होंने अच्छी जॉब के नाम ब्लैस किया जो फॉरन के अच्छी जॉब करते हैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का खुदा के दास का और खुदा की दासी ने थैंक्स करा और सब जन तारीफ करा उच्ची तारीफ करेंगे मेरे बेटे की गवाही है मेरे बेटे का अं 2-3 बारी काम लाया तो काम नहीं बनता तो पहले स्टडी वीजे से काम लाया फिर 1-2 बारी टैसट होर दवाए तो टैसट के उत्ते बीमार हो जाते तो बड़े परेशान हो गए फिर पास्टर जी उन्होंने घर बुलाया पास्टर मैम घर बुलाया प्रे कराई तो फिर थोड़े टाइम बाद जो अं टैसट वास्ते भेजा तो टैसट पास नहीं होया उसके बाद दोबारा फिर अं घर आए फिर चर्च के भी आकर उन्होंने प्रेयर करवाई और बेटे को भी लिया बेटे को भी दुष्ट आत्मा ने जकड़े पहला वो तो फ्री होए फिर परमेश्वर की कृपा के नाल उन्होंने काम बनिया बाहर का बहर गए रस्ते भी कुछ प्रॉब्लम आई जबकि वो रस्ते बैठे उन्होंने पुलिस सारे फड़ लैन लगे जी लेकिन जो बेटे ने दसिया तो मैं पास्टर को दसिया इन्होंने भी प्रेयर की बेटे को कोई प्रॉब्लम आती थी जे मुझे प्रेयर करते थे और जिस बहन की आपने गवाही सुनी है पहले इसके जो हस्बैंड है वहां पे पहुंच गए और कह रहा मैंने जहां पे नहीं रहना और जब प्रार्थना की परमेश्वर की दासी ने प्रोफेसी की उसके लिए कि ये भाई वापस नहीं आएगा कुछ टाइम के बाद उसका मन बदल जाएगा और परमेश्वर ने वैसा किया और आज इनका भी बेटा ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में और पिछले वीक ही पास्टर जी और साढ़े घर प्रे करने आए थी ते मेरे बड़ा बेटा जो आस्ट्रेलिया दे विच उहदा वीजा 31 दसंबर को खत्म सी आस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा ते अभी बड़ी टेंशन थी कि मेरे बेटे का वीजा अगे बद जाए क्योंकि उन्होंने अगले साल आना जी उन्होंने वीजा बदला ता ही घर आने तो परसों ही पास्टर मैं दसिया कि हम पास्टर अपने प्रभु की कृपा के नाल उन्होंने वीजा 2026 तक बद गया परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का और मैम का बहुत धन्यवाद करता और मेरा पिता जो सिस्टम जोर्ज के वो भी उन्होंने काम नहीं मिल रहा तो 3 दिन पहला पास्टर साढ़े घर आए तो इन्होंने कहा भी इस वीक के जॉब जरा काम मिल जाएगा और कल ही उन्होंने काम मिल गया इनके पेट के भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती ही और इन्हों मतलब 8 या 9 महीने हो गए चर्च आते और उस तो बाद 8 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक तो खुदा ने इन्हों फ्री किया अज आजाद किया और जी पेट की प्रॉब्लम ही अज वो तो भी आजाद ने इस गवाही के लिए खुदा का खुदा के दास का खुदा के दासी का थैंक्स करते हैं सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए एक चक्रोई का परिवार था और जे भाई उनके साथ आए हुए थे हमारे घर में प्रार्थना के लिए और जब जे भाई घर में आए और मैंने परमेश्वर की आत्मा में देखा कि उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं कठिनाइयाँ हैं और मैंने इनको बोला आप चर्च आओ और सचमुच चर्च आना शुरू हो गए और 7 हफ्ते मैंने कहा 7 हफ्ते में परमेश्वर आपको बरकत देगा आशीष देगा लेकिन 7 हफ्ते में इनको बरकत नहीं मिली और इनका विश्वास टूट चुका था लेकिन जब हमने मैंने और परमेश्वर की दासी ने इनको बोला
इनके आना भी इतना कठिन हो चुका था, एक बाइक पे जो पांच लोग छह लोग आते हैं चट्टे से, तो मैंने इनको बोला कि आपने नेक्स्ट वीक आना है क्योंकि आपकी इकट्ठी गवाही बनेगी। और जब से नेक्स्ट वीक आए और इनकी गवाही बन चुकी थी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और हम सुनेंगे इनकी गवाही को, हालेलुया। और पिछले कई साल तो मैं प्राइवेट जॉब करते ही, लेकिन खुदा ने जो चर्च के नाल जुड़े ने, खुदा ने पिछले दो हफ्ते पहले ही इन्हों गवर्नमेंट जॉब के नाल ब्लैस किया है। और उस तो बाद जिते इनका घर ही इन्हों रस्ता नहीं मिलता कई साल तो, मतलब इन्हों उस अपने घर जाने रस्ता नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा ही। और पिछले दिनों पिछले दो हफ्ते पहले इन्होंने सुनवाई हुई है, इन्होंने उस अपने घर जाने रस्ता भी मिल चुके हैं। इस गवाहियों के लिए, इन्होंने दोनों गवाहियों के लिए परमेश्वर का, परमेश्वर दास का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे। हालेलुया। इस सिस्टर की गवाही है कि इन्होंने पिछले अठ साल तो दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे ही, जो इन्होंने बहुत सारी चर्चा के गए लेकिन इन्हों का कोई हल नहीं हो। जो इस मिनिस्ट्री के आए इन्होंने आते मतलब एक या दो मंथ होया, और जो इस मिनिस्ट्री के नाल जुड़े ने, और स्टार्टिंग के दो हफ्ते इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, इन्होंने दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे खेलने लग जाते ही, लेकिन खुदा ने इन्होंने ब्लैस किया है, उस दुष्ट आत्मा तो आजाद किया है, हूँ इन्होंने कोई अटैक नहीं होंगे। इस गवाही के लिए, इस चंगियाई के लिए परमेश्वर का, परमेश्वर दास का थैंक्स करते हैं, सारे जने तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। अपने दास की उस प्रोफेसी याद किया, उन्होंने वर्ड्स याद किया कि खुदा ने दास ने कहा कि मैं तुहाडे तो एक्सीडेंट की स्पिरिट को कैंसल करदा। और जदों कहते मेरा एक्सीडेंट होया और उस तो बाद जो है उठे और इन्होंने चैक किया, इन्होंने बिल्कुल नहीं लगी थी, इन्होंने कोई सट नहीं लगी रही, इन्होंने खुदा को याद किया। और इन्होंने दूसरी गवाही आ कि पिछले दिनों इन्हों का मूव बड़ा ज़्यादा सोच गया ही, और जैसे ही है उठे खुदा ने दास को गए, खुदा ने दास ने उस टाइम प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद उन्होंने सोजिश बिल्कुल ठीक हो गई। इन्हें दो गवाहियों के लिए, इस चंगियाई के लिए परमेश्वर ने इन्होंने। मैं बताना चाहता हूँ जे भाई काम करते हैं होटल में, तो वहाँ पे लगातार काम करते करते थे बुखार में, बीमारी में, दुख में चले गए, इनको बुखार हो गया, फीवर हो गया। और मैंने उनकी पत्नी ने मुझे कहा, पास्टर जी, मैंने कहा कि आपका हस्बैंड कहाँ पे है, आए नहीं कितनी देर से, तो कहते लगातार काम करते करते वो फीवर में है और बहुत ज़्यादा फीवर है। और मैंने जब इनको फ़ोन किया तो कहते पास्टर जी कोई भी जहाँ पे बंदा नहीं है जो काम कर सके, मैं अकेला फंसा हुआ हूँ। और मैंने इनको बोला नहीं, मैं आप एक मिनट स्पिरिट को देख रहा हूँ, आप घर में आए जल्दी। और उस शाम को जब जे रात को घर में आए और सुबह जब जे मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आए, इनका मुंह इतना सूज चुका था। और जैसे ही, और मुझे बोल रहे हैं कि पास्टर जी मेरे मुंह पे पता नहीं क्या हो गया है, मेरा मुंह पूरा सूज चुका है और इतना मोटा हो चुका है। और जैसे ही मैंने इनके मुंह पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखा, और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से जे भाई जब तक अपने काम पे पहुंचे, जे चंगे हो चुके थे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और जो एक्सीडेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले संडे मैंने आत्मा में देखा था कि बहुत सारे लोग, बच्चे, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट की स्पिरिट में गिरेंगे, लेकिन मैंने उस एक्सीडेंट की स्पिरिट को यीशु मसीह की कृपा से कैंसिल किया। और सच कुछ जे भाई ने बताया, जे इनका एक्सीडेंट मंडे को हुआ लेकिन प्रभु ने हमें संडे को ही बता दिया था, हालेलुया। तो आप एक मिनिस्ट्री के साथ सहयोग करेंगे, खुदा बन आपको 100% आशीष करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप ईमानदार हैं, आप कैसे लोगों को दिखाएंगे कि मैं ईमानदार हूं परमेश्वर के साथ और पास्टर के साथ। आज मैंने इसलिए जे वचन जहां पे लगाए कि लोग मैं अपने मुंह से कहता हूं तो गुस्सा कर लेते हैं, हालेलुया, लेकिन जहां पे मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे अगवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें समर्थ रखो और ध्यान से उनके चाल चल का अंत देकर उनके विश्वास का अनुकरण करेंगे। और बाइबल कहती है, मैं हम वचन को पढ़ेंगे, मैडम सॉरी मैं 5 मिनट में वचन दे देता हूं। आप यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील, सब अपने वचन को निकाले और अपने हाथों को उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगियों में 100 गुना फल और आशीष लेके आए, आप ही काटोगे, हालेलुया, जो आप भेजोगे वो ही काटोगे, जो
कभी कभी क्या होता है पाप का असर हम पे बना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पाप किया है उसका असर किस पे जाएगा, मेरे बच्चों पे जाएगा, क्योंकि हम एक फैमिली में हैं। वचन को सुनकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, कह रहा है लेकिन कान की खुजली के कारण वो वचन उनकी जिंदगियों में नहीं रहेगा, वो परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, लोग अपने मौज मस्ती में रहेंगे। आप 6 दिन आराम करो, 7वें दिन जब किसी की डेथ हो जाती आप जाते तो हो कैसे चले जाते हो? आपको कुछ सोचो कि वो परमेश्वर देख रहे हैं, जब मेरे खुद के काम होते हैं मैं चला जाता हूं, लेकिन जब पास्टर जी हमें संडे को बुलाते हैं हम जाते ही नहीं। जब मैं नहीं कह रहा, मुझे परमेश्वर ने अपना सेवक खड़ा किया है, आपको मैं बार बार सिखाऊंगा। वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में क्या था, शुरुआत में क्या था, वचन था, और वचन क्या था? सारे बोलो, बहुत सारे विश्वासी हैं, आप जोर से बोलो वचन क्या है, वचन क्या है? तो मैं किससे सिखा रहा हूं आपको, किससे सिखा रहा हूं? तो अगर हम वचन की तुहीन करेंगे तो फिर हम ब्लेस हो सकते हैं। सब दिले की सेवा खींच लो इसको सब तो।
हालेलुया। सब नाचने के लिए तैयार है, मेरी दीदी सब नाचने के लिए तैयार है, आपके बच्चे तंग कर रहे हैं, सब नाचने के लिए तैयार है। बच्चों को जितने जितने भी बच्चे आए हैं सबको मैंने बलून देना है, हालेलुया। जितने भी छोटे बच्चे हैं इनको मैंने गिफ्ट देना है। Yeah,
बल्ले बल्ले हो गई है, मौज लग गई है, कोई थोड़ भी ना रही है। तड़के ओ खुशियां दे विच भगत झूमदे, खुशियां दे विच भगत झूमदे, ढोल नगारे खड़के ओ भंगड़ा रब दे बंदियां दा, जरा वेख ले सज्जना खड़के भंगड़ा रब दे बंदियां दा। जो दिल सानूं दित्ता मेरा तन रंग मिल मंगड़े पाए, रंग मिल मंगड़े पाए, रंग मिल मंगड़े पाए।
खुशी दी लाया
ही जीत लेंगे सारा संसार हम।
परमेश्वर आपके मन को देखता है और आपके मन को ही बताता है। हालेलुया।